अस्सलाम वालेकुम भैया, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लो जी, आज का व्लॉग बड़ा बढ़िया होने वाला है क्योंकि हम निकल रहे हैं भैया, कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जा रहे हैं लाहौर, जा रहे हैं भैया। और लाहौर का सफ़र भी आपको पता है 3-3.5 घंटे का, यहाँ से फैसलाबाद से जाने का सफ़र। तो अभी टाइम हुआ है तकरीबन 4:20, अफ्तारी तो हम लाहौर में नहीं, रस्ते में हमारी होगी। तो अभी निकलते हैं अभी, क्योंकि मुझे बाइक के 2-3 काम करवाने हैं। 2-3 काम तो नहीं, बल्कि एक मेजर मेन काम जो सब, वो एक मैंने करवाना है, उसके बाद सीधा हम लाहौर की तरफ निकलेंगे। आए, मैं आपको दिखाता हूँ करवाना है। बाइक को मैंने काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती, मैंने कहा इसको ना डांटते बेहतर, कवर का बड़ा फायदा है यार, बाइक साफ सुथरी रहे थी। अच्छा जी, मेन चीज़ इसकी क्या है यार, सिर्फ एक चीज़ लाजमी है क्योंकि हम सफर पर जा रहे हैं, तो वो ज़रूरी है, इसकी नंबर प्लेट जो सी फ्रंट वाली है, फ्रंट नंबर प्लेट यहाँ पे जो सी हमने लगवाई हुई थी नीचे, तो वो टूट के गिर गई हुई है। तो नंबर प्लेट जाके हमने लगवानी है, नंबर प्लेट लगवा के फिर निकलते हैं सीधा फ्लोर की तरफ। तो बिना टाइम लगाए किए निकलते हैं। ओके यार, जब नंबर प्लेट बनवा ली हुई हमने, तो थोड़ा टाइम लग गया बस, यहाँ से इस लग जाए इस पर ऊपर, तो फिर निकलते हैं। पतरी जो सी मोटी वाली ले ली, पहले वाली पतरी काफ़ी बारीक थी। हो गया, बहुत टाइट हो गया। कर दो मरोड़ी ना, कर दो ना, कर क्यों बस। अच्छा भाई, नंबर प्लेट वगैरह हमने लगवा ली है भाई, और पहले से बहुत अच्छी पनवेल लगी है। लास्ट टाइम जो प्लेट लगवाई थी मैंने, वो तो बहुत ज़्यादा लूज़ थी, मतलब कि हवा में अच्छी खासी हिलती थी। ये बहुत ज़्यादा मज़बूत उसने प्लेट लगाई है यार, रोज़ा लग, इतना गला खुश्क हुआ पड़ा है कि बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, हाल ये हुआ पड़ा है। अभी तक फैसलाबाद में फिर रहा हूँ, टाइम हो गया तकरीबन 5:30 बजे का, 8:30 बज जाने यार, तकरीबन वहाँ तक जाते जाते ना लाहौर में। अच्छा यार, मैं आज गोप्रो से नहीं बना रहा वीडियो, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ लगा कर, इसका माइक का इशू नहीं था, क्योंकि माइक मेरे पास लगा हुआ है हेलमेट में, इसका आवाज़ क्लियर हो जाती है, हर चीज़ मसला हल हो जाता है। लेकिन GoPro जो सा है, GoPro का नो डाउट रिजल्ट बहुत उसका आला है, बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने का। लेकिन इशू क्या है उसका, इशू सिर्फ इतना है कि उसका हमारे पास वो नहीं है, मीडिया मोड नहीं है हमारे पास, तो जिसकी वजह से आवाज़ नहीं उसमें ठीक से आती। लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग बनाया उस पर, बड़ा मज़ा आया मुझे, बड़ा प्यारा मतलब कि अच्छा सा व्लॉग बना है, तो उसकी कोशिश करूंगा कि मैं वो लग जाए, मौसम बड़ा प्यारा था उसमें तो। लेकिन आवाज़ का बड़ा इशू बना है, आवाज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं हुई रिकॉर्ड, हल्की सी आवाज़ होती थी रिकॉर्ड। अब वो कितनी की ज़ाहरी बात है, उसमें कोई माइक तो हमने लगाया नहीं हुआ, माइक तो उसका अपना ही है जो सा बाहर की तरफ लगा है, बाहर का शोर भी आएगा, ट्रैफिक का शोर भी होगा, फिर मेरी आवाज़ वहाँ से उस तक कैसे जाएगी, तो वो बड़ा इशू बना हुआ है लास्ट टाइम का। तो इसलिए मैंने कहा यार, वो ज़ाया करने से बेहतर है रिज़ल्ट का क्या करना है हमने। रिज़ल्ट तो माशाल्लाह इस मोबाइल का भी अपने का बड़ा हाल है, इसका भी पूरा नहीं है, तो इसमें ये फ़ायदा है कि चलो माइक है तो व्लॉग भी, आवाज़ भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगी। और एंगल मुझे अभी ठीक से समझ नहीं लग रही, काफ़ी दिनों के बाद हम मोबाइल पर, मोबाइल को लगा रहा हूँ मैं हेलमेट पर, अभी मैं जो जा रहा हूँ वहाँ पर क्या कहते हैं लाहौर, तो वो भी मुझे कोई बाइक के रिलेटेड ही जा रहा हूँ, कुछ काम है थोड़ा सा, कुछ लेना है वहाँ से मैंने, तो वो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्या हम लेने जा रहे हैं। तो फ़िलहाल तो जो सा है ट्रैफिक को, जो सा रोड को एंजॉय करें, जो हम जा रहे हैं बस एंजॉय करें उसी को, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। मैं सिर्फ मुझे शौक़ है बस कि बाइक ले कर निकल जाओ, लॉन्ग रोड पर निकल जाओ भाई, कम से कम 250-300 किलोमीटर की ड्राइव हो और इन्जॉय करो जगह जगह फिर कर।
लेकिन क्या करें भाई, टाइम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नहीं हम सब कुछ कर पा रहे। जॉब नौकरी भाई नौकरी, अपना काम हो यार कोई बंदे का तो टेंशन नहीं होती, बंदा अपना टाइम निकालता है उसमें से वो निकल जाता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको हम मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। अस्तग़फ़िरुल्लाह, रोते जा रहे भाई, शर्म करो भाई। ओ हो अल्लाह, सॉरी गलती हो गई भाई। फ्यूल यहीं से करवा लें, फ्यूल मैं कह रहा हूँ। फुल कर दो, याशी करनी है, फुल कर दो। हाँ आज याशी करनी, मैं लगता नहीं इन्ना पेगा वैसे। बस इन्ना करना, एक मिनट कि बाहर ना आए, एक मिनट 1150 कर लो पूरा। अच्छा ठीक हो गया, चार शहर या दो अभी हमने 1150 रुपये में वही पेट्रोल की टैंकी फुल करवा ली है हमने गाड़ी की। पेट्रोल फुल बटा फुल हो गया और अब हम करेंगे याशी, फुल याशियाँ करनी यार। लो अभी गुड़िया वाले हम पहुंच गए हुए हैं, तो टाइम हुआ है गुड़िया वाले पहुंचते पहुंचते भी राउंड 5:45 का हो गया हुआ है तकरीबन टाइम, तकरीबन 40 से 45 मिनट तकरीबन, नहीं हाँ 45-50 मिनट तकरीबन रह गए रफ्तारी होने में। यार बेतुके ही लोग आई यार, कोई इधर को जा रहा है कोई उधर को जा रहा है। गुड़िया वाले से कुछ लोग भाई देखते हैं वीडियो हमारी, तो भाई बहुत गंदी ट्रैफिक है आप लोगों की यहाँ की, ये पिंड की ट्रैफिक सही करें आप। अच्छा भाई शाहकोट के पास पहुँच गए हुए हैं तकरीबन, और मच्छर अपनी हेलमेट पर अच्छा खासा ठक ठक करके लगा हुआ है, तो अभी ये कहीं पर रुकेंगे तो इंशाल्लाह इसको साफ़ करेंगे। अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है तकरीबन, अभी भी यार बड़ा टाइम भी नहीं गुजरा। ये मेरे ख्याल से शाहकोट वाला ही स्टाफ है, यहाँ पे वैगनें वगैरह खड़ी हो रही हैं सारी आके। ऐसे आवाज़ बनती है भाई लगानी के हम जा भी गिर रहे हैं, कोई सवारी ले लें ऊँची आवाज़ से, कोई शाहकोट है भाई, शाहकोट है शाहकोटो लो रहे, इस तरह कहना चाहिए भाई, इस तरह कहना चाहिए। अरे क्या मोड़ है भैया, ऐसे मोड़ का अपना ही मजा है। मुझे आगे रश हो गए, मजे का रश है, मजे का रश है, मजे का रश है।
इस चीज़ का रश डल गया भाई आगे, इतनी प्यारी सड़क थी, साफ सुथरी थी, कोई रश नहीं था। और अभी बाइक भी गर्म शर्म हो गई हुई है अच्छी खासी, तो किस चीज़ का रश लग रहा है यार, क्यों ब्रेकें लगाई जा रहा बेवकूफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, अफ्तारी हमने यहाँ पे गाली भाई से एक स्टोर थी, किराने की दुकान थी, तो और पानी भी पी लिया यहाँ से और हल्का फुल्का सा बिस्किट खा लिया कोई, क्योंकि और तो कोई जॉब मिली नहीं यहाँ पे बड़ी। तो चैनल भी भाई ने मेरा सब्सक्राइब कर लिया, अच्छे बंदे थे उन्होंने, उसी टाइम भाई मेरे आगे वो लगा हुआ है, लिखा हुआ है राहुल लालपुरी व्लॉग, तो उन्होंने उसी टाइम मोबाइल पे देखा निकाल के और वीडियो की। मैंने कहा भाई सब्सक्राइब भी कर ले, सब्सक्राइब भी करवा लिया अपने चैनल अपना। तो यार अच्छा यार, अब मैंने पीनी है सरदाई, अभी यहाँ पर कहीं पर नज़र आएगा कोई तो वहाँ से हम पियेंगे सरदाई को, और ज़रा थोड़ा सा वहाँ पर 5-10 मिनट बैठेंगे अफ्तारी के फौरन बाद, जो सा है थोड़ा सा सर्च कराना शुरू हो जाता है बताएगा। और ये लग रहा है सरदाई वाला बैठा हुआ है, ओ वाह जी वाह जी वाह जी वाह 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 वाह जी वाह, सरदाई वाला मिल ही गया। एक यार गिलास तो ला के दे, गिलास तो एक ठंडा यार आ गया, गिलास ठंडा। अच्छा भाई सरदाई वगैरह हमें मिल गई हुई है, तो काफ़ी यार काफ़ी मेहनत के बाद जाके मिली है, मतलब कि यार ठंडी भी है, ठंडी का अपने मतलब। मच्छरों का देखो हेलमेट पे क्या हाल हुआ है, अभी मेरे साफ नहीं किया, तो मैं देखता हूँ पानी कपड़े को लगा के ना, तो गीले कपड़े से साफ करते हैं इसे अच्छे से। अच्छा भैया अब सरदाई वगैरह तो हमने पी ली है, तो अब निकलने लगे यहाँ से, मैप अब ऑन कर लें, अब इसका ऑन ही है, पहले से ही ऑन है। 45 किलोमीटर तकरीबन का सफ़र रह गया सिर्फ, यहाँ पे कुछ रहता नहीं गया अपना, नहीं सब कुछ रुके। अब शीशा साफ हो गया है तो अच्छे से दिखना भी शुरू हो गया भाई।
ਜੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ के रेस्ट करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो सुबह इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और आपको सुबह मैं बताऊंगा कि करने यहाँ पे क्या आया हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। जो चैनल पे नहीं है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें। ओके यार, अल्लाह हाफिज़।